नमस्कार, आदाब। हमारे देश में और ख़ासकर हमारे देश के युवाओं में, और बताता चलूँ कि आज यूथ डे इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जा रहा है। युवा हमारे कभी कभी ऐसा होता है, देखने में आता है समाज में, कि गाइडलाइन के लिए तरसते हैं या उन्हें समय से गाइडलाइन नहीं मिल पाती, जिसके कारण बहुत सारा कन्फ्यूज़न उनके मन में होता है। आज भिवंडी शहर के समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में एकता फाउंडेशन के बैनर तले एक एड्स पर आधारित प्रोग्राम किया गया, जन जागरण अभियान। साथ ही वहां उनका मेडिकल चेकअप वगैरह भी करने का पूरा बंदोबस्त किया गया, उनका ब्लड चेकअप भी किया गया। हमारे युवाओं में, हमारे देश के युवा हों या पूरी दुनिया के युवा हों, उन्हें उनके ताल्लुक से, क्योंकि आने वाले दिनों में वही इस देश का या इस दुनिया का भविष्य है, उन्हें जानकारियाँ देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज एड्स पर उन्हें पूरी जानकारी दी गई कि कैसे बचा जाए और कैसे समाज को बचाया जाए। मैं अरविंद जायसवाल के साथ खान फख्र आलम। कॉलेज में क्या प्रोग्राम था आज का? जो प्रोग्राम था इंटरनेशनल यूथ डे के ऊपर, एड्स और एचआईवी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई, और इसमें हमारे कॉलेज के करीब करीब 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई बहुत ही अच्छी थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, और बच्चों ने बड़े अच्छे से उसको सुना, बहुत अच्छे से उसकी मालूमात ली। बीच में जो एकता फाउंडेशन का जो इसमें कंट्रीब्यूशन था वो एक्सेलेंट था। उन्होंने बाद में, क्योंकि हमारे माशरे में थोड़ी सी हेजिटेशन भी है लोगों के अंदर एचआईवी और एड्स के बारे में बात करने में, तो बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया था कि किसी को कोई इशू हो, कुछ बोलना चाहता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो लिख करके उसको जो है मैसेज दे दे, ताकि उसको जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड किया जा सके। तो ओवरऑल प्रोग्राम इज़ एक्सेलेंट, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और हमेशा होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। और मैं तो बाकायदा इस प्रोग्राम के बाद मैं एक टीम बनाऊँगा अपने कॉलेज की। हमारे पास NSS विंग भी है, उसके ज़रिए एक टीम बनाऊंगा और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और मैं एकता फाउंडेशन से उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ वो टाइप करें, और हम दोनों एकता फाउंडेशन के साथ समदिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मिलके काम करेंगे इस पर इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। आज काय प्रोग्राम होता आणि किती मुलांनी पार्टिसिपेट केला आणि आपला मेन एम काय आहे? ओके ओके, सो थैंक यू। आज या ठिकाणी समदिया कॉलेज आणि आपली एकता फाउंडेशनच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय युवा दिन सर्वपूर्ण संपूर्ण जगामध्ये साजरा केला जातो, आणि या माध्यमातून आम्ही जे आपले यूथ आहेत, आपल्या कॉलेजचे यूथ आहेत, या कॉलेजेसला, यूथला एक जनजागृती करणं किंवा त्यांना माहिती देणं फार गरजेचं असतं, आणि त्या माध्यमातून महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी आणि सिव्हिल हॉस्पिटल ठाणे यांच्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये आम्ही हे माहिती देत असतो। कारण बऱ्याचशा वेळेला यूथ आणि आपले जे, कारण या यूथवरती, या तरुण वर्गावरती उद्याचे भविष्य आपल्या देशाचं भविष्य त्यांच्यावरती अवलंबून असतं, म्हणून आपल्याला या यूथला माहिती देणं अशा गुप्त आजाराविषयी किंवा HIV-सारख्या TB-सारख्या किंवा कोरोनासारख्या आजारावरती त्यांना माहिती असणं गरजेचं असतं, म्हणूनच आपण आमच्या वरिष्ठ कार्यालयाच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी हे माहिती देत असतो आणि त्यांच्यामध्ये जनजागृती करत असतो। हा आमचा महत्त्वाचा यामध्ये एम आहे सर। क्या कहेंगे आज के यहाँ पर क्या प्रोग्राम था और किस स्टैंडर्ड के, कौन से उम्र के बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था? आज का प्रोग्राम ये HIV के अवेयरनेस के ऊपर था। जो जूनियर कॉलेज हमारे इधर समदिया स्कूल के जो है 11-12 के, उन बच्चों में अवेयरनेस लाने के हिसाब से हम लोग ने प्रोग्राम रखे हुए थे। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और मुख्यतः बच्चों को किन किन बारे में जानकारी दी गई? करीब करीब 100 से 150 बच्चे थे, और इन बच्चों को HIV के अवेयरनेस के बारे में, HIV एक बीमारी है और ये बीमारी एड्स तक किस तरीके से आती है और उससे हमको कैसे बचना है, इस बारे में पूरा टोटल अवेयरनेस बच्चों को दिया गया। और ना कि डरते हुए, क्योंकि एक HIV एक ऐसी बीमारी है, अगर कोई भी इसमें अगर वो इंटर होता है तो सबसे पहले तो एक डर रहता है कि मैं कैसे बताऊँ, तो मैं बोला ये चीज़ हम लोग ने अवेयरनेस के हिसाब से बताया, HIV से बच सकते हो, अगर होने के बाद भी उसका कुछ ट्रीटमेंट रहता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा
हमारे तरीके से अगर जाते हैं जो भी हमारा एकता फाउंडेशन है और गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग अलग जो भी है, जैसा भिवंडी में IGM ने इसका अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो उस तरीके से तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंशियल भी रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता और आप अपना ट्रीटमेंट पूरी तरीके से ले सकते हो। इस तरीके से मैसेज आते हैं तो अभी आपको उसके चार कारण जो है वो आपको मालूम है, ठीक है। तो वो मैसेज रहेगा, उसके नीचे आप आइए, नीचे वो चार कारण जो है वो लिख दीजिए, उसके बाद उसको फॉरवर्ड कीजिए, तो सामने वाले के पास सही मैसेज जाएगा, वो पढ़ेगा ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ेगा, नीचे आने के बाद उसको पता चलेगा यही चार कारण इसकी वजह से खेलता है, ठीक है। तो ये चीज थी। और दूसरी चीज है कि आपको मालूम है हमारा देश युवाओं का देश है, नैको जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो 17 से 49 का जो एज है उसको यूथ पॉपुलेशन बोलता है और हमारे यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन ज्यादा। अभी आप सोचेंगे अपने तक नहीं रखेंगे तो किधर क्या करेंगे, तो आपके जो हम उम्र लोग हैं, अगर लड़की है तो अपनी सहेली है, लड़की है तो अपने दोस्त है, उनके साथ हो सकता है कि उनमें से अगर कोई बनता है जो ऐसा कर रहा हो। बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे बनता हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ था हमारे कॉलेज में और उसके जरिए हमें जानकारी, तो सामने वाला भी कुछ शर्माएगा कि सुनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वकील सर ने बहुत ही अहम बात की तरफ निशानदेही की है कि हमें शर्माना नहीं है, बात करनी है, और अगर कोई गलत कार्यों में मुब्तला है तो उसे भी समझाना है। इस गेम से हमें एक बात समझ में आई जो सर ने बखूबी हमें बताई कि किस तरीके से एक गलत बात, बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है। हमारे चैनल पे जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी देखिए। थैंक यू।